स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराना और राष्ट्रगान गाना हर भारतवासी का संवैधानिक कर्तव्य है, गर्व की बात होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के ज्यादातर मदरसे इस मौके पर राष्ट्रगान से बचते हुए दिखे। वहीं दिल्ली के जामा मस्जिद में इस मौके पर जबरन तिरंगा फहराए जाने की खबर भी आई। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जोश से भरे कुछ बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली जामा मस्जिद में घुस गए और जबरन वहां तिरंगा फहरा दिया। गनीमत रही कि इस दौरान किसी तरह का हंगामा नहीं हुआ। उधर यूपी के वाराणसी में एक मदरसे में भारत माता की जय के नारों के बीच तिरंगा फहराया गया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुखिया इंद्रेश कुमार यहां तिरंगा फहराने खास तौर से पहुंचे थे। एक थे, एक है, एक होकर अपनी गरीबी, बेरोजगारी, अनपढ़ता को भी भगाए और हिंदुस्तान को चमकाकर दुनिया के अंदर इसकी खुशबू को फैलाए। वहीं यूपी से ये भी खबर आई कि यूपी में कई मदरसों ने स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा तो फहराया लेकिन राष्ट्रगान नहीं किया। जबकि दो दिन पहले ही सरकारी सर्कुलर में कहा गया था कि मदरसों में तिरंगा फहराने के साथ ही राष्ट्रगान भी जरूर हो। ऐसा नहीं करने पर मदरसों पर कार्रवाई की चेतावनी भी थी।